जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की एक और लेटेस्ट भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बट दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इस भर्ती की जानकारी वेबसाइट के ऊपर चेक करना चाहते हैं तो आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। और सर्च करने पर यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टुडे बेस्ट जॉब के अंदर या फिर नीचे की तरफ आपकी DRDO की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली DRDO ने NMRL के अंदर भी वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिस की, और अभी यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है वो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से देख लीजिए। आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है DMRL हैदराबाद के लिए अप्रेंटिस की पोस्ट ही है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इसका PDF ओपन हो जाएगा। ये PDF आप जॉब्स ज्ञान की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें जो आपकी डिटेल निकाली गई है उस डिटेल के अकॉर्डिंग इसमें आपके ट्रेड्स फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक बाइंडर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये आपके ट्रेड है जिस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ITI पास इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, यानी कि जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। और किस ट्रेड के लिए कितने पद निकाले, कितनी वैकेंसी निकाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको पूरी जानकारी ट्रेड वाइज यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। और ये बेसिकली आपकी जॉब नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ये आते हैं कि इसमें ये भर्ती परमानेंट है या फिर नहीं है। ये आपकी एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है जो कि आपकी एक साल की होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपका अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसकी अगर बात करें, एज लिमिट के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए एज के अकॉर्डिंग वो 18 से 24 है। और साथ ही यहाँ पर आपको बोला गया कि जो लोग पहले ही अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से की है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से की है, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो आपकी ITI है, चाहे वो NCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज है या फिर SCVT के, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपकी जो डेट है फॉर्म को फिल करने की लास्ट, वो आपकी 31 मार्च 2021 रखी गई है। इसमें आपको कैसे अपने फॉर्म को फिल करना है उसके बारे में अगर बात की जाए तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है, जो कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। ऑनलाइन कैसे फिल करना है मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको DRDO NMRL अप्रेंटिसशिप फॉर्म कैसे भरना है और भर्ती के बारे में जानकारी दी थी। तो अगर आप इसमें फॉर्म को फिल करना चाहते हो आपको ये वीडियो वॉच करनी होगी, जो कि DRDO NMRL की है। इस वीडियो का लिंक चैनल के अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि अभी आप वॉच कर रहे हो। तो इस वीडियो को वॉच करके आप जान सकते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। ये वैसे तो देखने में आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है, बट ये आपको ऑनलाइन वे में भरना है, क्योंकि आपको ये फॉर्म डाउनलोड करके इस पे हैंड से जानकारी रिटर्न यानी कि नहीं लिखनी है। आपको इसको ऑनलाइन ही एडिट करके वहां पर जानकारी जिस सेक्शन के अंदर जो जानकारी मांगी है वो फिल करनी है। और फिर आपको इसको फिल करने के बाद ये जो ईमेल ID यहां पर दी गई है admin@dmrl.drd.in, इसके ऊपर सेंड करना है। यानी कि ऑफलाइन कुछ इसमें ऐसा है नहीं, ये सब आपको ऑनलाइन वे में ही भरना है। और जब आप वो वीडियो वॉच कर लोगे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है तो आपको मालूम भी हो जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, आपके सामने फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी दोस्तों आपकी DRDO DMRL अप्रेंटिस भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।